जाऊंगा या तो गोरखपुर या फिर नौतनवा। मैं आ गया नेपाल बॉर्डर। इंडिया नेपाल का सनौली बॉर्डर है और सनौली बॉर्डर काफी बिजी रहता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। मैं हूं इस समय भारत नेपाल बॉर्डर पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जर्नी मैंने स्टार्ट की थी कल लखनऊ से 11 बजे। मैंने ट्रेन ली मरीनी गोरखपुर एक्सप्रेस, जिसने मुझे आनंद नगर छोड़ा। अगर आप भारत के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो आपको आना होगा या तो गोरखपुर या फिर नौतनवा। नौतनवा एंड गोरखपुर, ये दोनों ही नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। मैं नौतनवा के जस्ट पहले एक स्टेशन पड़ता है आनंद नगर, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट ट्रेन लखनऊ से नहीं चलती है नौतनवा के लिए इस वीक में। सो मैं आनंद नगर आया, आनंद नगर से मैंने टैक्सी ली एंड टैक्सी से मैं आ गया नेपाल बॉर्डर। सो अगले कुछ व्लॉग्स मैं दिखाने वाला हूँ अपनी जर्नी नेपाल की। यहाँ से मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा एंड देन मैं एंटर करूँगा, एंड एंटर करने के बाद मैं करेंसी एक्सचेंज करूँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा, एंड देन मैं बस लेकर पहुँचूँगा पोखरा। ये इंडिया नेपाल का सनौली बॉर्डर है और सनौली बॉर्डर काफ़ी बिजी रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मैं बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे या क्या परेशानी है या कितना स्मूथ था। तो चलिए क्रॉस करते हैं बॉर्डर एंड देन आपसे बात करते हैं बाहर जाकर। सो फाइनली मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा स्मूथ था। आईडी मांगी इंडियन इमिग्रेशन साइट पर एंड देन नेपाल इमिग्रेशन साइट पर आईडी मांगी, दैट्स इट। आधार कार्ड, कोई भी इंडियन आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, कोई भी इंडियन आईडी। एंड अभी यहाँ से मुझे निकलना है पोखरा के लिए, जो 180 किलोमीटर है, 7 घंटे की जर्नी होने वाली है। तो मैं यहाँ से डालूँगा, पहले देखूँगा करेंसी एक्सचेंज कराऊँगा एंड देन बस लेकर मैं आगे निकलूँगा। बॉर्डर क्रॉस करके अराउंड हम लोग 5 किलोमीटर आगे आए होंगे और गाड़ी ख़राब हो गई है। तो सफ़र की शुरुआत थोड़ी अच्छी नहीं हुई है एंड आई थिंक उन्होंने दूसरी गाड़ी मंगाई है, लेट्स सी। छोटा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पर। तो चाय पीते हैं एंड देन वेट करते हैं नेक्स्ट गाड़ी का। सो जो प्रोसेस था मैं आपको पहले बता रहा था, बहुत स्मूथ रहा मेरा इमिग्रेशन। आई थिंक बहुत ज़्यादा स्मूथ था, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट मैं सोचा बैग चेक होगा या थोड़ा और चीज़ें पूछेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो बहुत स्मूथ था। एंड दूसरी चीज़ कि अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट गोरखपुर आ सकते हैं। गोरखपुर के लिए आपको ट्रेन, फ़्लाइट सब मिल जाएगी एंड देन वहाँ से आप लखनऊ भी इवन कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं, साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया किसी कोने से आ रहे हैं, गोरखपुर के लिए फ़्लाइट नहीं मिल रही है, तो आप लखनऊ भी कंसिडर कर सकते हैं। लखनऊ से फिर आप
जैसे मैंने जर्नी की आनंद नगर के लिए, आनंद नगर स्टेशन है, आनंद नगर से आप टैक्सी या बस करके आप वापस आ सकते हैं सोनौली बॉर्डर। सोनौली बॉर्डर क्रॉस करते ही आपको करेंसी एक्सचेंज हो जाएगा। मेरा करेंसी जो एक्सचेंज हुआ वो एक इंडियन रुपीज़ के कंपेयर में आपको मिलेगा 1.57, मतलब हाँ 1.57 नेपाली रुपीज़। सो मैंने अराउंड 2-3 हज़ार रुपये करेंसी एक्सचेंज कराया, क्योंकि बाकी मैं ATM यूज़ करने वाला हूँ। सिर्फ मुझे टैक्सी का पैसा देना था और कुछ नाश्ता वास्ता करने के लिए। सो दैट्स इट। और बाकी ऐसा कुछ खास अपडेट नहीं, मौसम सेम है, अभी ज़्यादा चेंज नहीं दिखा है। मे बी 50-60 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वेदर में चेंज आएगा, बट फिलहाल तो सब कुछ सही है। लैंग्वेज चेंज हो गई है। बॉर्डर क्रॉस करते ही आपको यह है कि नेपाल और इंडिया काफ़ी सिमिलर हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखते हैं, बट स्टिल आगे चल के बताते हैं। लग गए थे, गाड़ी चेंज हुई एंड देन वी आर हेयर। अराउंड 40 किलोमीटर्स हम आगे आ चुके हैं बॉर्डर से एंड वी आर हेयर फॉर अ क्विक स्टॉप। ये आप देख सकते हैं एरिया है। बारिश हो रही है और ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, जंगल है, क्लाउड्स देख सकते हैं आप फाउंटेन्स पर। लंच और टाइम हो रहा है 11:30। मैंने ऑर्डर किया है मोमोज एंड कोल्ड ड्रिंक। जस्ट बैग अभी यहाँ पर रखा हुआ है एंड देन आई एम वेटिंग फॉर समवन जो मुझे पिक करेंगे यहाँ से। सो ये सामने शॉप है एंड देन मुझे इस तरफ जाना है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा था कि मैं पोखरा आ गया था कल 3:00 PM। सो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी सनौली बॉर्डर से वो 8:00 स्टार्ट हुई थी, बट आधे घंटे आप उसमें से माइनस कर दीजिए क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई थी। सो अराउंड 7-8 hours की ये जर्नी रहती है। एंड जो टैक्सी का जो मैंने कॉस्ट दिया वो था 1050 rupees नेपाली रुपीस। सो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप जर्नी सोनौली से पोखरा जा रहे हैं या काठमांडू जा रहे हैं तो किस में जाएं, बस में जाएं या इस तरह की टैक्सी में जाएं जिसमें मैं आया था। तो एज़ अ पर्सनल सजेशन आई विल सजेस्ट यू कि आप टैक्सी लीजिए, क्योंकि वो एक तो जल्दी पहुंचाती है पहली चीज़, दूसरी चीज़ वो कंफर्टेबल रहती है इस रोड के अकॉर्डिंग। तो फिर आप एसी बस से चले जाइए, एसी बसेस लिमिटेड टाइम पर रहती हैं एंड वो थोड़ी सी कंफर्टेबल रहती हैं, उनकी सीट काफ़ी अच्छी रहती हैं। और या तो आप मेरी तरह आ जाइए जैसे मैं आया था, ये फास्ट रहती हैं
थोड़ा सा किराया इनका ज़्यादा है। जो बसेस का किराया होता है नॉन एसी का, अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाह रहे हैं और बजट में और कंफर्टेबल इट्स नॉट अ प्रायोरिटी, देन 500-700 रुपीज़ लेते हैं ये। और ये हर आधे घंटे में चलती है सोनौली बॉर्डर से काठमांडू, पोखरा, लुम्बिनी और अदर जगहों के लिए। तो आप कहाँ जा रहे हैं ये डिपेंड करता है, बट मैं सजेस्ट करूँगा टैक्सी लीजिए। सेकेंड थिंग, जो रोड है वो इतनी ख़राब नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रोड बहुत ज़्यादा ख़राब, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, रोड काफ़ी ठीक है। जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं माउंटेन में उस तरह की रोड है। बारिश होती रहती है, बीच बीच में कभी कभी लैंडस्लाइड होती है, बट ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला था। सेकंड, 3 बजे तक मैं पोखरा आ गया था, देन जहां मैं आया हूं उन्होंने मुझे पिक कर लिया। तो अगर आप हैं तो आप सोनौली बॉर्डर से ही सिम ले लीजिए, करेंसी एक्सचेंज करा लीजिए, क्योंकि सिम वहाँ पर आपको इंडियन आईडी में मिल जाएगी। अगर आप सिटी में आते हैं देन आपको थोड़ी सी इशू होगी। खैर, मैंने तो सिम नहीं लिया, मुझे तो सिम यहाँ मिल जाएगा। अगर आपका कोई लोकल जानने वाला है या कोई हेल्प कर दे तो देन इट्स डिफरेंट थिंग, बट आई विल सजेस्ट यू कि सिम आप वहीं से ले लीजिए अगर आप सोच रहे हैं लेने का, क्योंकि देन आप यहाँ पर आके लेने से कोई मतलब नहीं। आप जाएंगे सिटी में, ढूंढेंगे, थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे, तो इट्स बेटर कि आप सिम बॉर्डर पर ही ले लीजिए, करेंसी बॉर्डर पर एक्सचेंज करा लीजिए। अगर आपके पास वीज़ा कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं नेपाल में बड़े आराम से, बट आप फ़ोन पे और गूगल पे नहीं कर पाएंगे अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मैंने बात की करेंसी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम की, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन जर्नी कैसे आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस मंथ में आ रहे हैं। अगस्त जो है वो मानसून सीज़न है, ऑफ सीज़न है, तो बारिश बहुत होती है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से सीज़न पिक करता है, तो अक्टूबर से जनवरी तक आप नेपाल विज़िट कर सकते हैं, एंड देन बाद में आप मार्च अप्रैल में भी चाहे तो विज़िट कर सकते हैं, बट जो सीज़न है वो सितंबर एंड में स्टार्ट होता है नेपाल का। नाउ मैं अगस्त में आया हूँ, मानसून है, बट मेरे अपने अलग रीजंस हैं। सो आपके मन में ज़रूर ये सवाल उठ रहा होगा कि वाई सडनली आई एम हेयर इन नेपाल फॉर अ व्लॉग और फॉर सम अदर वर्क। सो लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन डेफिनेटली इन योर माइंड। आई विल आंसर all these questions and why I am here, where I am in Pokhara, I will show you everything, but currently in this vlog I'm going to end this vlog, but main dikha deta hu aapko apna room pehle. So this is my room, it's pretty decent room with a bathroom and then that door. So I will give you a proper tour in the next vlog, so please keep sharing your love, प्लीज़ कमेंट, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग इन नेक्स्ट कपल ऑफ व्लॉग्स, आई एम गोना शो यू लॉट ऑफ थिंग्स, सो बी इन टच। थैंक यू सो मच, बाय बाय।